क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 11.4, क्लास 6, मैथमेटिक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चों आप करेंगे। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू बी वाई। सरिताज एज कितनी लेनी है? वाई लेनी है। मान लीजिए हम वाई ना लेके हम 10 ईयर्स ले लेते हैं सरिता की एज, क्योंकि वाई से समझ में नहीं आता है। वाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। उसकी एज कितनी होगी 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 5 साल बाद एज कितनी होगी? आप सीधा बता दोगे 15 साल। कैसे? 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 की हो जाएगी, यानी कि 15 ईयर्स की हो जाएगी 5 साल बाद वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लेना है, उसकी एज क्या लेनी है? वाई लेनी है। 10 की जगह क्या लेना है? वाई लेनी है। तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? वाई प्लस 5 फ्रॉम नाउ, ठीक है। वाट विल बी हर एज सरिता की? सरिताज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज इक्वल टू कितनी थी? प्रेजेंट कितनी थी? 10 की थी या वाई की थी, उसमें क्या ऐड होगा? 5 वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। वॉट वॉज हर एज 3 ईयर्स बैक। 3 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी? कितनी बताई थी हमने? 10 साल की थी। किसी की उम्र 10 साल है, 3 साल पहले कितने का होगा? एकदम ऊँचा था 7 साल। कैसे? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे कितनी है? वाई है, वाई माइनस 3। तो वाई माइनस 3 वाई रह जाएगा, क्योंकि वाई वेरिएबल, हमें पता नहीं उसकी एज कितनी है, 10 है कि 20 है। अगर 20 होती तो कितनी होती? -3 इज इक्वल टू 17 ईयर हो जाती। तो हमें यहाँ पे वाई जो है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए वाई माइनस 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 साल पहले, 3 साल पहले जितनी उम्र होगी उसकी 3 साल पहले, उसमें 3 माइनस करेंगे, ठीक है ना। सरिताज एज 3 ईयर्स बैक, बैक माने पीछे, वाई माइनस 3। सरिताज ग्रैंड फादर इज 6 टाइम्स ऑफ हर एज। कितने? 6 टाइम है। हमने कितने बताए थे? अगर वो 10 साल के है, उसके फादर, उसके ग्रैंड फादर कितने? 6 टाइम मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 60। यहाँ पे 10 की जगह क्या है? वाई है। मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6 वाई हो जाएंगे, ठीक है। ग्रैंड फादर, वॉट इज द एज ऑफ हर ग्रैंड फादर? ग्रैंड फादर एज 6 टाइम 6 किससे? उससे 6 वाई। ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर। 2 साल के आए छोटी हैं। ग्रैंड फादर कितने के आए थे? 60 साल के आए थे। तो दादी माँ कितनी होंगी? 2 साल छोटी है। कितने साल की होगी? 58 की हो गई। लेकिन हमारे कितने निकले थे वेरिएबल में? 6 वाई, 6 वाई। ग्रैंड फादर की एज कितनी निकली थी? 6 वाई। दादी 2 साल छोटी है, तो -2 इज इक्वल टू 6y-2, क्योंकि y एक वेरिएबल, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तब हमारी ग्रैंड मदर की एज का पता चलेगा, ठीक है ना। ग्रैंड मदर 2 ईयर्स यंगर, यंगर में छोटी है, देन ग्रैंड फादर, व्हाट इज द ग्रैंड मदर एज, ठीक है ना। ग्रैंड मदर एज इज 6y ग्रैंड फादर कितने के थे? 6y के थे। उसमें से सिर्फ 2 साल ही कमी तो करना है। 4 के बाद 5 देख लेते हैं। 5 क्या कहता है? सरिताज फादर एज इज 5 ईयर्स मोर। 5 ईयर्स कितनी है? मोर है। देन 3 टाइम्स सरिताज एज, 3 टाइम्स सरिता की एज से। तो व्हाट इज फादर एज? तो अब इसमें फादर एज निकालेंगे। फादर एज कैसे निकले? सरिताज फादर एज 5 ईयर्स मोर, मोर का मतलब +5। देन 3 टाइम्स ऑफ सरिताज एज, 3 टाइम्स ऑफ सरिताज एज में प्लस कर दिया जाएगा 5। तो ये हो गई आपकी किसकी? वो एज किसकी हो गई? फादर की एज, ठीक है ना। ये क्या कहता है? सरिताज फादर एज इज 5 ईयर मोर। 5 ईयर मोर का मतलब होता है 5 प्लस होने, ठीक है ना। देन द 3 टाइम्स सरिता एज, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई बाई, सरिता कितने साल की थी? 2 साल की थी। तो 3y प्लस 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
कौन से द फर्स्ट यहीं ख़त्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके।